अगर आपके 1 ईयर में 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर्स वॉच टाइम ना हो। हेलो गाइस, मैं दिव्यांश सिंह एक बार फिर आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ टेक्निकल फ्रेंड टेक्निकल विद मस्ती में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपके 1 ईयर में 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर वॉच टाइम नहीं होता तो क्या होता है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले फ्यूचर में लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलो। कमेंट जरूर करें क्योंकि आपको जिस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए उस चीज़ को कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस चीज़ की वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 1K सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम अगर आपके 1 ईयर में नहीं होता तो आपके YouTube चैनल का क्या होगा। आप सभी लोग जानते हैं YouTube अपने पॉलिसीज में डेली नए बदलाव लाता रहता है, तो ये बदलाव पॉपुलर यूट्यूबर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और ये जो 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर्स वॉच टाइम वाली पॉलिसी है, ये कई यूट्यूबर्स भाई लोग सुन के अपना YouTube चैनल बंद कर देते हैं। तो आज हम लोग उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये जो 1K पॉलिसी, 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम वाली पॉलिसी है, ये इस तरीके से एक्चुअली में कि अगर आप 1 ईयर में 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर वॉच टाइम नहीं कंप्लीट करते तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया जाएगा। मगर कई यूट्यूबर्स इस चीज़ को अच्छी तरीके से ठीक तरीके से नहीं समझ पाए, तो आज मैं आप लोगों को वही एक्सपोज करूँगा कि एक्चुअली में इसमें होता क्या है। यूट्यूब जो होता है वो आपके 1 ईयर उस दिन से काउंट करता है जिस दिन से आपने मोनेटाइजेशन ऑन किया है। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे आज आपने अपना YouTube चैनल बनाया और आप अगर 10 दिन बाद इसका मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं तो फिर ये आपका आज से नहीं 1 ईयर गिना जाएगा, आपका जिस दिन से एडसेंस चालू किया गया है उस दिन से आपका 1 ईयर गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपका 1K सब्सक्राइबर्स 1 ईयर में और 4K आवर्स वॉच टाइम नहीं होता तो आपका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होगा। कई यूट्यूबर्स के साथ ऐसा हो चुका है कि लग वो मोनेटाइजेशन ऑन कर लेते हैं मगर उसके बाद उनका 1K सब्सक्राइबर्स और 4K आवर वॉच टाइम नहीं हो पता, जिसके कारण उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाता है। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हम लोगों को इसके लिए ये करना है कि हम लोगों को सबसे पहले 1K सब्सक्राइबर्स और 4K वॉच टाइम आवर्स कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही हम लोगों को एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करना है। क्योंकि अगर हम लोग पहले एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो बाद में डिसेबल कर दिया जाएगा अगर आप 1 ईयर में 1K सब्सक्राइबर और 4K आवर वॉच टाइम नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। कमेंट ज़रूर ही करें क्योंकि आप मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। अगर आप लोग बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊँगा, तो प्लीज़ कमेंट करके आपने बात जरूर करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो में आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। जैसे बंदूक की गोली मेरे